नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स पे, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बातें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, वो है कि आप रनिंग जब करते हैं तो अपने पैर को किस तरह से ज़मीन में रखें, ठीक है। आपका फुट स्ट्राइक किस तरह से होना चाहिए, आप चाहे 100 मीटर की प्रैक्टिस करते हो, चाहे 400, 800, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मैराथन या 1600 मीटर, आप किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करते हैं, मैं आपको पूरे अच्छे से बताऊंगा कि आपका फुट स्ट्राइक क्या होना चाहिए, ठीक है। और आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है कि एड़ी नहीं लगना चाहिए, बस टो पे रनिंग करना चाहिए, मैं सारा कुछ दूर कर दूंगा। आगे मैं जो भी टिप्स बताने वाला हूँ, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपके रेस के लिए बहुत अच्छा होगा और आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप अपने करियर बनाना चाहते हैं रेस में, आप अगर बहुत आगे तक खेलना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फुट स्ट्राइक है वो है, देखिए मैं बेसिकली हमारे पास चार तरह के फुट लैंडिंग होते हैं, ठीक है, फुट स्ट्राइक होते हैं। पहला जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा टो रनिंग। टो रनिंग जो होता है वो पहला पार्ट है, वो क्या है कि उसमें ये जो टो रनिंग है बस इतना उपयोग होगा, ठीक है, इतना दूर तक। ये कौन सा रेसर उपयोग करते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर तक के धावक बस उपयोग करते हैं टो रनिंग। अगर आपको कोई बोलता है कि बस पंजे पर रनिंग करो और 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप अगर चाहते हैं दौड़ना, तो आपका जो काफ है वो पूरी तरह से टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 100 मीटर, 200 मीटर करते हैं तो आपके लिए टो रनिंग बहुत अच्छा है और टो रनिंग से ही स्पीड आता है। और अगर आप जब भर्ती में आपका लास्ट 100 मीटर, 200 मीटर बच जाए, जब आप घिसते हैं तब भी आपका टो उपयोग होता है। अब हम आपको बताते हैं, देखिए टो रनिंग का दो पार्ट होता है, पहला तो बस ये उपयोग होगा, दूसरा जो है वो ऐसे रखाएगा, फिर ऐसे रखाएगा, फिर ऐसे, फिर आगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, इसको मैं आगे बताता हूँ। अब जो हमारे पास दूसरा टेक्निक है वो है मिड फुट। इस जो पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ पर ऐसे रखा है और फुल पैर रखा के ऐसे दौड़ा है, ठीक है। ये जो 5 किलोमीटर के धावक होते हैं या फिर बहुत इजी लॉन्ग रनिंग करते हैं, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब जो हमारे पास तीसरा है और बहुत ही कंट्रोवर्सियल है, वो है एड़ी, ठीक है, हिल रनिंग। अब बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये आता है कि भाई हिल रनिंग करें कि नहीं करें। अब आप लोग मैराथन देखते होंगे तो देखते होंगे बहुत सारे जो इंटरनेशनल अच्छे अच्छे धावक हैं वो क्या करते हैं, एड़ी से भी रनिंग करते हैं और अच्छा दौड़ते हैं। तो एड़ी से दौड़ना गलत नहीं है, गलत तब है जब आप ओवर स्ट्राइडिंग करते हैं, ठीक है, आप हद से ज़्यादा पैर खोलते हैं और अपने जो ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन से बहुत ज़्यादा पैर को आगे रखते हैं और एड़ी से रखते हैं। जब एड़ी से रखेंगे तो ये सीधा हो जाएगा और आपका स्पीड ब्रेक हो जाएगा और डायरेक्ट एंकल जॉइंट और जो हमारा नी जॉइंट है उस पर आपका प्रेशर पड़ेगा और इंजर्ड हो जाएगा। आप अगर एड़ी से रनिंग करते हैं और आपका ये घुटना मुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो लाइन है हमारा इसके करीब हो, अगर आप एड़ी ऐसे लैंडिंग भी करते हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तब नहीं करना जब आप स्प्रिंटिंग करते हो। अगर आप स्प्रिंटिंग करते हो और एड़ी का उपयोग करते हो, एड़ी ऐसे रख के करते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अब बात आता है कि जो 1600 मीटर की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, 1500-1600 मीटर खास करके, वो किस तरह से अपना पैर को रखे जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो दोस्तों उनके लिए है 4 फुट रनिंग, ठीक है। मैंने जो आपको पहले बताया था शुरू में उसी का ये सेकेंड पार्ट है, उसमें ये है कि टो रनिंग में बस क्या होता है, बस ये टो उपयोग होगा, ये नहीं टच होता है, ठीक है, खास करके 100-200 मीटर धावक इसका उपयोग करते हैं। अब जो 4 फुट रनिंग है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये अगर फुट स्ट्राइक को आप अपनाते हैं तो। इसमें क्या है कि, और एक बात, हाँ, आप बोल दिया जाता है आपको कोई कोचेज या फिर कोई भी आपका दोस्त बोल देता है कि बस पंजे में रनिंग करो, तो आप ऐसे करते करते पंजे में 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 400 मीटर, 800 मीटर लगाने लगते हो रेपिटेशन, ठीक है, या फिर लॉन्ग दौड़ने लगते हो, तो उससे आपका पूरा काफ भर जाता है और हैमस्ट्रिंग तक दर्द आ जाता है। तो भाई जो टो रनिंग है वो इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, वो स्प्रिंटिंग के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन जब बात आ जाती है 1500-1600 मीटर की, तो आपके लिए जो सबसे बेनिफिशियल चीज़ है वो है 4 फुट रनिंग। उसमें आपको क्या करना है, विथ रोलिंग, ठीक है, इसमें क्या करना है, ये जो हमारा चौथा और पाँचवा उंगली है आपको इससे लैंडिंग करवाना है और ऐसे रखना है, ऐसे फुल का उपयोग करना है, ठीक है, फिर एड़ी सटेगा। आप दिमाग में बैठा लेते हैं एड़ी सटाना ही नहीं है, जिसके कारण आप बहुत देर तक नहीं दौड़ पाते। आप जितने भी इंटरनेशनल धावक को देखेंगे वो उनका जो है 4 फुट रनिंग स्टाइल ही होता है, ठीक है, यही स्टाइल से वो लोग रनिंग करते हैं। पहले यहाँ रखाया, फिर ये फुल रखाया, तब जाके स्टेबिलिटी मिला, फिर जाके अगला स्टेप खुला,
दोस्तों यहाँ देखिए ओलंपिक चैंपियन मोहम्मद फराह है जो कि 4 फुट रनिंग कर रहे हैं। आप देखिए इनका सबसे पहले चौथा और पांचवा उंगली पैर का गिरता है, फिर जाकर पूरा पैर लैंड होता है, ठीक है, और साथ में एड़ी भी टच होता है लास्ट में। तो आप इस तरह ही रनिंग कीजिए, आप अपने दिमाग में ये नहीं बैठाइए कि एड़ी ज़मीन में टच नहीं होता। दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये मैराथन के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इलूड किपचोगी हैं जो कि 4 फुट रनिंग कर रहे हैं। आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं इनका पहले आगे का पंजा लैंड हो रहा, फिर एड़ी ज़मीन में टच हो रहा, फिर आगे जा रहे हैं। तो आपको भी इसी तरह रनिंग करना है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों अगर आप इस तरह से रनिंग करते हैं तो आपका इंजरी का संभावना बहुत कम हो जाता है, और जितने भी फेमस और अच्छे अच्छे रनर्स हैं वो इसी टाइप का रनिंग करते हैं, 4 फुट रनिंग, ठीक है, जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अब बात आती है वैसे रनर्स की जो कि एड़ी पहले रखकर रनिंग करते हैं। आपने बहुत सारे मैराथन धावक को देखा होगा कि पहले एड़ी से लैंडिंग करते हैं, फिर बहुत अच्छा रनिंग परफॉर्मेंस भी ला के देते हैं। आप यहाँ पर ही देख सकते हैं ये फेमस रनर किटाटा हैं जो कि हाल ही में हुए लंदन मैराथन 2020 में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया। तो दोस्तों जहाँ पर बात आ जाती है लंबी रनिंग का, खास करके 20 किलोमीटर से ऊपर, वहाँ बहुत सारे धावक हेल स्ट्राइक रनिंग भी करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपका पैर का लैंडिंग होता है तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आसपास होना चाहिए या उसके अंदर होना चाहिए, तब आप इंजरी से बचे रहोगे। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं 800 मीटर के लिए, 1500 मीटर के लिए, 1600 मीटर के लिए, 3 किलोमीटर के लिए, 5 किलोमीटर के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो फुट स्ट्राइक होगा वो होगा 4 फुट रनिंग स्टाइल, ठीक है, जो मैं आपको बताया पहले ही। और जो स्प्रिंटर है वो भी अगर ऑफ सीजन में रेपिटेशन लगाते हैं 60% 70% एफर्ट से, तो वो भी 4 फुट रनिंग स्टाइल का उपयोग करते हैं। और अगर आपसे 4 फुट रनिंग नहीं होता उसको आप किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दो चीज़ क्या है, पहला तो अली सफल इस तरह से करना है, दूसरा टो रन इस तरह से, टो जंप। अली सफल को आप 30-30, 40-40 सेकंड का आप कर सकते हैं 4 से 5 बार, और जो जंपिंग में बताया रोप वाला आप इसको भी कर सकते हैं 40 से 45 सेकंड का 5 से 6 बार अल्टरनेट डेज, तो आपका जो है 4 फुट रनिंग इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है भाइयों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो दोस्त मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।